तो हम लोग पहुंच गए हैं घोड़ा पड़ाव और अब यहां से हमें 2 किलोमीटर पैदल चलना है। तो शुरू करते हैं पैदल यात्रा। जय बाबा केदारनाथ। वाव, देखो बैठ के भी हम लोग थक गए हैं, घुटनों के तो बुरे हाल हैं, तो मेहनत तो घोड़े पर बैठने में भी करनी पड़ रही है। तो इतनी आसान नहीं है ये यात्रा, बट चलो, भगवान भोले शंकर ने मेरी इच्छा पूरी की, आई एम थैंकफुल। हाँ भाई मयंक, कैसा है? ठीक है, ठंड तो नहीं लग रही? वाह, वो देखो वहाँ से नीचे से हम लोग आए हैं, वहाँ से। सूचना पे ध्यान दें, यात्री का नाम है किशन। आपका इंतजार रुद्रा पॉइंट घोड़ा पड़ाव में कर रहे हैं, धन्यवाद। चलो फिर मयंक। केदारनाथ 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा अभी और हमें। तो भाई लोग, हम लोग नीचे से चले थे लगभग 2:30 बजे के करीब और इन्होंने हमें 5:30 बजे पहुंचा दिया। तो लगभग 3 घंटे में इन्होंने एक्चुअली खच्चरों को इतना दौड़ाया कि पूछो मत। 1.5 किलोमीटर हेलीपैड, 1 किलोमीटर चिकित्सालय, 0.5 चाहिए हट्स हैं। ओ चढ़ते रहेंगे अब तो। अभी भी अराउंड 1 किलोमीटर चलना है ना? 1.5 किलोमीटर। ये भैया ये पुराने वाला ही रास्ता ना? ये वाला ये पुराना ट्रैक है। माय गॉड, तेरे में वो डैमेज हो गया। अच्छा, कोशिश करते हैं कि आरती में पहुंच ही जाएं। पहुंच जाएंगे, 6:30 बजे होती है आरती। अभी कितना, 6 तो बज गए। तो भाई लोग, सीन ऐसा है, हम लोग पहुंच तो गए हैं और ये बैक साइड में हेलीपैड है और इसी के साथ में जो ये सामने हट्स हैं, ये स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स है। हमने बुकिंग की कल की और हम लोग पहुंच गए आज ही, तो मतलब ये हुआ हमें आज की भी, मतलब आज भी हमें स्टे करने का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 6:30 बजे आरती है तो हम लोग पहले आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि खच्चरों पर आए तो थकावट थोड़ी सी कम है, मतलब सहन कर सकते हैं, थकावट तो बहुत ज़्यादा है ही। और वो जो लाइट जल रही है वो मंदिर है। और एक और सीन है कि अभी यहाँ पर कहीं पर भी लाइट नहीं है, मंदिर का अपना पावर हाउस है इसीलिए मंदिर में लाइट है। देखते हैं लाइट कब आती है। सो भाई लोग, हम पहुँच गए हैं केदारनाथ धाम। ये सामने केदारनाथ मंदिर है, सिर्फ मंदिर में लाइट है क्योंकि उनका अपना पावर हाउस है, पर शहर में अभी लाइट नहीं है। बोल रहे हैं 1-2 घंटे में आ जाएगी, तो देखते हैं। तब तक आपको दर्शन कराते हैं। 6:30 बजे तो आरती है, हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए, पर लाइट होती तो मज़ा कुछ और ही होता। लोग जय भोलेनाथ कर रहे हैं, 6:30 बजे आरती है, तो हम लोग भी भीड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भी यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, भगवान की अर्चना करेंगे क्योंकि भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही हम आए हैं, हर कोई यहाँ नहीं पहुँच पाता। ये देखिए नज़ारा, लगभग 6:20 हो चुके हैं और हम लोग अब पूजा में शामिल होंगे, आरती में शामिल होंगे। बोलते हैं शाम को ही यहाँ पर आरती होती है, तो यह बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमें, इस मोमेंट को अपने आँखों में कैप्चर करना ही है। जय भोलेनाथ, जय भोले भोले। भोले जय जय। बैठो आप लोग इधर,
महादेव, हर हर महादेव। तो हम लोग देखने आए हैं, ये क्या है? डॉर्मिट्री है वैसे? ओके, सो ये है छह लोगों के लिए है। इसमें चाहे दो लोग रहे चाहे, हाँ जितने भी, तो ये है, हमें मिल गया है। ठीक है, हाँ कोई बुरी नहीं, बुराई नहीं है, बढ़िया। जय भोलेनाथ। ठीक है, हाँ इट्स गुड। ठीक है, अब वही डबल बेड बना रखा है दो। हाँ 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 ठीक है, हो जाएगा, है ना? तो वो तो आपका फिर एडजस्ट होता है ना सर, फिर वो तो फिर आपको आज का लेना पड़ेगा फिर कल का, वो तो आपकी मर्जी रहता है। नहीं कुछ और नहीं, पूरा नहीं हो सकता एडजस्ट। हाँ ठीक है। तो भाई लोगों, सीन ऐसा हुआ है, हमारा कल की बुकिंग है, हम लोग जल्दी पहुँच गए हैं, तो 6 बेडेड जो हमें मिलना था, तो हम सोच रहे हैं आज ही एडजस्ट हो जाए। तो भैया ने बोला कि आज में प्रीपोनमेंट 1200 रुपये चार्जेस के साथ में हमें मिल जाएगा, तो हमें मिल गया है। ये है स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स के अंदर कैंटीन, इसमें बहुत बढ़िया सात्विक भोजन मिलता है, कोई भी यहाँ पर भोजन कर सकता है। 200 रुपीज़ की थाली है और ब्रेकफास्ट 100 रुपीज़ की थाली है, कितना भी खा सकते हैं आप। और इसमें बाहर के लोग भी जो यहाँ नहीं ठहर रहे वो भी यहाँ पर आके खाना खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।